इलास्टिसिटी में हम क्या करेंगे, आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट को ओपन कर लें, जो मैं लिखवाऊंगा बस वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। मेरी प्लस वन की बुकलेट है वैसे ही है, हैंड रिटन वाली, आपने सारी कुछ नहीं लिखनी, बस चार पांच फॉर्मूले लिखवाऊंगा बस वही लिखने हैं। पहला, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ ने बताया, और स्ट्रेस सम कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन, कॉन्स्टेंट इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और अगर ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए स्ट्रेस और स्ट्रेन का तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये सिंपल है। नेक्स्ट है, स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, इस वायर को आपने खींच के लंबा कर दिया, कितना लंबा किया, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ की क्या थी, एल, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल बाय एल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जरूरत नहीं है लिखने की, रुको अभी। तो डेल्टा एल बाय एल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसी अगर एक बॉल है आपने प्रेस करके छोटा कर दिया, तो डेल्टा वी बाय वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और आपके पास एक वायर फिक्स्ड है आपने टेढ़ी कर दी, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, थीटा को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तीन किस्म के स्ट्रेन है, स्ट्रेस का फॉर्मूला एक ही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे हुक्स लॉ पे, जिसने कहा था कॉन्स्टेंट स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है। तो पहली चीज, अगर मान लो स्ट्रेस एक वायर ली हमने, एक वायर को खींचा, तो अगर स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया है, तो स्ट्रेन उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, डेल्टा एल बाय एल। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। पहला फॉर्मूला नोट करें, यंग्स मॉडुलस इज फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, ये पहला फॉर्मूला, ठीक, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। दूसरा, अगर हम एक बॉल की बात करें, या अगर हम लिक्विड्स की बात करें, गैस की बात करें, तो उसमें चलता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, के या बी, दैट इज फोर्स बाय एरिया को प्रेशर लिखा जाता है लिक्विड या गैस में, और डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि आप जब बॉल को दबाते हैं किसी लिक्विड से या किसी गैस से, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब आप डेल्टा वी में पुट करेंगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो ये टर्म नेगेटिव आती है, नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बल्क मॉडल से हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए फॉर्मूले में साइन क्या पुट करते हैं, नेगेटिव। पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं माइनस साइन पुट करता ही नहीं है, क्योंकि वो क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करनी, के तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। और नेक्स्ट है फोर्स बाय एरिया अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिंबल इसका ईटा, फोर्स बाय एरिया बाय थीटा। तीन किस्म के कॉन्स्टेंट्स नोट करो, और बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का कभी कभी वो क्या कहेगा, क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी देगा, तो जो बल्क मॉडुलस होता है कंप्रेस, वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ये तीन फॉर्मूलाज काम आएंगे आज, सिर्फ यही काम आएगा, ठीक। पहला फॉर्मूला क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। जब आप एक इलास्टिक वायर को खींचते हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, डेरिवेशन हमने नहीं करनी। वर्क डन का फॉर्मूला लिखें, हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इंटू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। तो हाफ इंटू एफ इंटू एल आपको क्या देगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। और अगर आप दोनों साइड्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, सिलेंड्रिकल वायर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपने नोट करना है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एफ इंटू इंक्रीज इन लेंथ, ठीक, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ समझ लें। कई बार क्या होता है कि वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है, वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह वाई इंटू स्ट्रेन, तो वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वेयर। तो ये भी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। उसी तरीके से स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय वाई, स्ट्रेन की जगह पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सफिशियंट है। और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एक ही बात है, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ये बस एक ही फॉर्मूला नोट कर लें, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इसमें एक चीज याद रखें कि
जब एक वायर ली जाती है, इस पर लिखा नहीं हुआ, जब एक वायर ली जाएगी उस वायर के ऊपर आपने F1 फोर्स को लगाया और एरिया उसका A1 है। मैंने वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया, मान लो कॉपर है तो कॉपर ही रखा और मैंने फोर्स को चेंज कर दिया, उसको और खींचा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो सेकेंड कॉपर वायर है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। अब याद रखना, जब तक आपने मटेरियल चेंज नहीं किया तो आपका वाई चेंज नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज, मटेरियल सेम है तो वाई सेम है। किसी भी वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा कॉन्स्टेंट है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब उसको तोड़ने का जो स्ट्रेस चाहिए वो चेंज नहीं होता, वायर लंबी लें या छोटी लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, ये लाइन लिख लें, एक न्यूमेरिकल आया इसमें, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, ये याद रखें। एक न्यूमेरिकल पूछूंगा उसमें यूज आपको नहीं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, आपने यूज करके बताना है मुझे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, ठीक। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, उसमें यह बताया गया है कि When a wire is suspended under its own weight, तो अगर आपके पास एक वायर है, नॉर्मली मैं क्या करता हूं, नॉर्मली वायर के नीचे, नॉर्मली वायर के नीचे एक मास लगता है m, और हम जो लेंथ लेते हैं ये l, वो कहां से कहां लेते हैं, इस छत से लेके m के सेंटर तक की लेंथ l लेते हैं वायर की, और वायर का मास तो लेते ही नहीं, ब्लॉक का मास है। तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में फोर्स बाई एरिया डेल्टा l बाई l का जब फॉर्मूला लगता है तो फोर्स की जगह क्या पुट करते हैं यहां पर, mg, और लेंथ की जगह क्या पुट करते हैं, होल लेंथ ऑफ द वायर जो कि कितनी है, l। लेकिन अगर आपके पेपर में ये आ जाए कि एक वायर के नीचे कोई ब्लॉक नहीं लगाया मैंने m, वायर का खुद का ही वेट है और अपने वेट से ही वो लंबी हो गई खुद, तो उसका खुद का वेट कहां पर एज्यूम किया जाएगा, उसके सेंटर ऑफ मास में। तो एक्चुअल में मास कहां पर पड़ा हुआ है, नीचे नहीं है, यहां पे है, तो छत से इसका डिस्टेंस कितना है, l बाय 2। ऐसे क्वेश्चन में जब वाई का फॉर्मूला लगता है तो फोर्स तो mg है अपॉन एरिया, लेकिन डेल्टा l बाय l नहीं लगता, डेल्टा l बाय 2 लगता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया, मिड पॉइंट पे आ गया, तो l बाय 2 लगाना है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लें, व्हेन वायर इज स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट, तो उसमें l की जगह क्या लेना है, l बाय 2 लेना है। अब सपोज करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक इलास्टिक वायर एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, और इलास्टिक वायर का क्या होता है, वाई, जितना बड़ा वाई होता है किसी मटेरियल का उतना ही सब्सटेंस इलास्टिक होता है। तो रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील, क्योंकि स्टील का यंग मॉडुलस बड़ा होता है, ठीक। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें तो स्प्रिंग में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के इन टू डेल्टा एल, तो k क्या होता है, f बाई डेल्टा l, तो इसकी जगह लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट k, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्प्रिंग कांस्टेंट का और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला नोट करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट और यंग मॉडुलस का जो रिलेशन है आपस में वो क्या है, y a बाई l, तो k इज इक्वल टू y a बाई l। तो कई क्वेश्चन में क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होता है पर अपने को y चाहिए, या y गिवन होता है अपने को k चाहिए, तो ये फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर दो इलास्टिक वायर पैरेलल में है तो मान लो एक की यंग मॉडुलस की वैल्यू वाई वन और दूसरे की वाई टू, दो की जगह एक वायर लगाना है तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का फॉर्मूला नोट करें, पैरेलल में वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, पैरेलल के अंदर वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, प्रूफ की जरूरत नहीं आपको करने की। तो अगर दो ये इलास्टिक वायर पैरेलल में है तो वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है। और अगर ये दोनों वायर सीरीज में है, सीरीज में है, तो फॉर्मूला नोट करें, 2y1 y2 by y1 plus y2, 2y1 y2 upon y1 plus y2। ठीक है यहां तक।
कुछ नहीं करना। अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है। पेन कॉपी पेन आंसर। तो क्या गिवन है? एल्यूमिनियम रॉड एंड रॉड है एक, यंग्स मॉडुलस वाई गिवन है, ठीक है वाई गिवन है, अंडरगोज इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ, स्ट्रेन क्या होता है इसमें, डेल्टा एल बाय एल, कितना गिवन है 0.04% का मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो डेल्टा एल बाय एल गिवन है, आपको वाई गिवन है, क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एक ही बात है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब मेरे को एक चीज पता है कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो देखो मुझे पता है क्या है, डेल्टा एल बाय एल। अब डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बस मुझे क्या निकालना है, स्ट्रेस, स्ट्रेस आएगा तो आंसर आएगा, लेकिन साथ में मुझे क्या गिवन है, यंग्स मॉडुलस, जिसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन इनटू वाई। अब स्ट्रेन तो मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना, डेल्टा एल बाय एल, और वाई भी गिवन है, तो इस स्ट्रेस की जगह ये वैल्यू को पुट कर देना, सॉल्व करें, आंसर निकालने क्या ऑप्शन आ रहा है, सी, सी आंसर आ रहा है। पर आप पॉइंट देख रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल इतना तो स्कूल का पेपर भी नहीं आता, इससे ऊपर ही आता है। तो ठीक है, क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर, ये लो।
क्या गिवन है, मेथड बता सकता हूँ, यंग्स मॉडुलस की रेशियो गिवन है, तो वाई वन इज टू वाई टू की रेशियो गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेशियो भी गिवन है, तो ए वन इज टू ए टू की रेशियो भी गिवन है, इफ सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड, यानी कि फोर्स की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम है, अमाउंट ऑफ इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड की रेशियो क्या होगी, डेल्टा वन और डेल्टा एल टू की रेशियो निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर भी सेम है, तो एल और एल की वैल्यू भी सेम है। अब यंग्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, एफ एल एरिया और वाई, तो डेल्टा एल वन की जगह क्या पुट करेंगे, एफ एल ए वन वाई वन और एफ एल ए टू वाई टू, एफ एल से एफ एल कैंसिल, तो ए टू वाई टू डिवाइडेड बाई ए वन वाई वन। अब देखो ना दोनों की रेशियोज आपको गिवन है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोड्यूस की रेशियो हो जाएगी, देखता हूँ सही है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाँ वैसे इसका आंसर था ए, इस क्वेश्चन का आंसर तो वायर जिसकी लेंथ क्या है एल है एंड रेडियस क्या है आर है, क्लैम्प्ड टू वन एंड, अदर एंड वायर इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ एफ, तो इंक्रीज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी गिवन है, एल एल की गिवन है, फिर अनदर वायर है लेंथ उसकी टू एल है, रेडियस उसका टू आर है, फोर्स उसमें टू एफ है, डेल्टा एल आपको इसमें निकालना है, चेक करता हूँ, तो इसमें सी, ठीक है, तो इसके अंदर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, एफ एल एरिया और वाई, तो एक काम करते हैं फर्स्ट केस में डेल्टा एल लगाते हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला एफ, फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे स्मॉल एफ, फर्स्ट केस में स्मॉल एफ, लेंथ की जगह एल, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर और यंग मॉडुलस की जगह वाई, इक्वेशन नंबर वन। दूसरे केस में डेल्टा एल डैश निकालते हैं, फोर्स की जगह कितना स्मॉल एफ की जगह 2f, लेंथ की जगह कितना 2l, पाई इनटू रेडियस की जगह कितना 2r और y की जगह, तो y सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, डेल्टा एल डैश निकाल लें, आंसर फॉर्म में आ जाएगा, तो डेल्टा एल की जगह एल पुट कर लें, सी आंसर आएगा इसमें, नहीं सी आना है, सी आ जाएगा, डिवाइड करके देखो सी आएगा, अच्छा वैसे भी देख लो ना, फोर से फोर कट गया, फोर से फोर कट गया, सी आ गया, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर ऑफ लेंथ एल। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है, लेंथ एल गिवन है पहले तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे लेंथ एल गिवन है, एरिया ए गिवन है, यंग्स मॉडुलस वाई गिवन है, ब्लॉक का मास 4 kg गिवन है, लेकिन कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसे प्लैनेट पे हो रहा है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 है। तो जी डैश की वैल्यू कितनी है, एम इंटू जी बाय 4, यानी कि मास कितना है, जो भी है इसमें जी बाय 4 पुट करना है, बात खत्म, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को क्या पुट करेंगे यहां पर, जी बाय 4 ऐसे। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो यंग मॉडुलस जो फोर्स पुट करेंगे वो एम जी नहीं पुट करेंगे, एम जी बाय 4 पुट करेंगे बस, और इसमें कुछ नहीं करना आपको। एरिया बाय डेल्टा एल क्या निकालना है, इसमें डेल्टा एल निकालना है, सब गेवन है, एम पता है, जी पता है 9.8, एल पता है, ए पता है और वाई पता है, डेल्टा एल निकाल लेना बस, कुछ करना ही नहीं, एम जी की जगह एम जी बाय 4 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। आ रहा है आंसर, कोई ऑनलाइन समझ में आ रहा है, यस क्लियर सर। आंसर, इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसका आंसर वैसे था डी था। नेक्स्ट, दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या गिवन है इसमें, एरिया की वैल्यू A1 पता है, मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी F1 की वैल्यू पता है 10 मेट्रिक टन, ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को कैपेसिटी बढ़ानी है, F2 की वैल्यू 25 करनी है मेट्रिक टन, तो मुझे एरिया क्या यूज़ करना है, ये क्वेश्चन है। देखो किसी भी वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली क्या होगा, सेम, तो स्ट्रेस को सेम कर दो और सॉल्व करके क्या निकालना है, A2 निकाल देना, मेट्रिक टन मेट्रिक टन्स के यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ रहा है, एक ही बी ए, ओके ए। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर है इसका, नेक्स्ट। क्या गिवन है, इसका रेडियस आर गिवन है, आर गिवन है तो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, एंड लेंथ एल गिवन है, फोर्स इसमें एफ गिवन है, यंग्स मॉडुलस की वाई की वैल्यू पता है, स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो लगा लो फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल बाय एल इज फोर्स एरिया और वाई, तो पुट करके डेल्टा एल बाय एल आएगा। तो चेक कर लेते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो समथिंग इनटू 10^-5 की फॉर्म में निकालने, आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है क्या इसका, चेक कर लेते हैं, मेथड समझ में आ रहा है। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं, लास्ट सारे मैं कहता हूँ पूरी फिजिक्स में ये हाल है 2023 में।
इसका आंसर वैसे 25 है भाई, 5 नहीं, 25 आ रहा है इसमें, 25 × 10⁻⁵ आ रहा है इसमें। क्या क्वेश्चन है इसके अंदर? आपको ना रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो समझो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, और एक स्टील है और एक ब्रास है, तो स्टील का यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। क्या निकालना है? इलोंगेशन आपको गिवन है डेल्टा एल, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल की ये वैल्यू आएगी। अब फोर्स में क्या पुट करेंगे इसमें? फोर्स स्टील के लिए लग रही है, स्टील के लिए वेट क्या है इसका? 2g, लेकिन इसके नीचे ये भी तो है, तो फोर्स की जगह क्या आएगा? 2 + 1.14g, ये आएगी फोर्स, क्योंकि उस ब्लॉक के नीचे और भी लोड लगा हुआ है, तो टोटल लोड ऊपर की वायर में क्या है? दोनों ब्लॉक्स का वेट है, और इंटू लेंथ आपको कितने गिवन है? 1.6। एरिया और वाई तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, सॉल्व करके डेल्टा एल की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। चेक करता हूँ मेथड समझ में आ रहा है, मतलब आप देखो जितने भी क्वेश्चन सीरीज में चल रहे हैं सारे के सारे डेल्टा एल निकालने के चले जा रहे हैं। तो पुराने पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ना उनका पैटर्न समझ में आ रहा है कि वो क्या रहे पिछले 2 साल में, तो इसलिए 3 साल का एवरेज आउट कर दो ना, कोई साल का पेपर आसान भी है कोई मुश्किल भी है, तो 3 साल का एवरेज आउट हो जाएगा, ईजी मॉडरेट मुश्किल सब बीच में हो जाएगा, तो 3 साल का वो किताब जो है बिल्कुल परफेक्ट किताब है। जिन लोगों ने वो किताब की पूरी थॉरो, मैं बता रहा हूँ उनकी तो उनकी सीट तो पक्की है, एक सीट तो पक्का करके ही आएंगे वो, फिजिक्स में तो कर ही लेंगे। अब बात यह है कि कौन 40 दिन में कर लेगा, ये भी तो है। इसका आंसर है 20। नेक्स्ट, एल गिवन है स्ट्रेच थ्रू 2 सेंटीमीटर का मतलब डेल्टा एल भी गिवन है, और क्या गिवन है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन की वैल्यू कितनी गिवन है? 80 जूल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, ये करवाया था आज, तो यानी कि 80 = इसके इक्वल पता है आपको। अब आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा एल भी पता है, ये देखो डेल्टा एल आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, तो यहां से मुझे निकालना क्या है? मुझे एरिया निकालना है, तो 80 = ½ × f × Δl, Δl कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो एक काम करते हैं आपको यंग मॉडुलस भी पता है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कितना? एल। इसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो 80 = ½ × y एरिया Δl, एल 2 × 10⁻²। देखो इस क्वेश्चन में निकालना क्या आपको, इसमें निकालना है एरिया, वाई गिवन है डेल्टा एल पता है, एल पता है, एरिया कैन बी कैलकुलेट, आंसर निकाल लेना। समझ में आ रहा है यहां तक करना क्या है? इजी। अब प्रॉब्लम ये है मैं आपको पूरी किताब नहीं करा सकता, तो इलास्टिसिटी के जो जितने क्वेश्चंस हैं आप बुक लें, उस बुक की प्रैक्टिस शुरू कर दें एक से लेके जैसे भी करने हैं, लेकिन प्लीज लीनियर ऐसे मत करें, सीधा पेज मत करें, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा 2023 के 18-19 का पेपर बिल्कुल नहीं करना आपने, 2018-2019 को देखना ही नहीं, बात ही क्लोज कर देनी है, देखना ही नहीं पेपर, तो आपने करना है 23, 22 और 21, जब तक आप सीधा ही देखेंगे आपका फोकस खराब हो जाएगा, और वो पेपर बहुत मुश्किल है, उसको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, टाइम वेस्ट करोगे, आज का पेपर करना चाहिए कि पैटर्न पता लगता है कि आता क्या है, तो 2023 करें, 22 करें, 21 करें, बस बुक लें और फटाफट इलास्टिसिटी खत्म करें। अगली बार हम खत्म करेंगे प्रेशर, और खत्म करेंगे बर्नौली थ्योरम, फ्लूइड फ्लो और विस्कोसिटी, और फिर सरफेस टेंशन, तो मतलब 3 लेक्चर में ये काम खत्म है, और प्रॉपर्टीज के टेस्ट के साथ तैयार हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली अब बुक खत्म होगी, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा ना, 2 महीने के बाद लूंगा, अभी बस नेक्स्ट टाइम बता दूंगा कि कब टेस्ट है आपका, करें स्टार्ट।